हाय, सो आई होप सबसीक्वेंस वाली प्रॉब्लम क्लियर है, राइट? तो अभी हम लोग एक और स्ट्रिंग्स की प्रॉब्लम करेंगे, दैट इज परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है एबीसी, तो ये उसके परम्यूटेशन होंगे, राइट? परम्यूटेशंस में क्या होता है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स आना कंपलसरी है, बट उनका जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, राइट? उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो एबीसी है तो उसके लिए एबीसी होगा, एसीबी होगा, बीएसी, बीसीए, सीएबी, सीबीए, राइट? सो इफ़ यू रिमेंबर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, उसमें हमको होता था कि अगर लेट्स से थ्री साइज की यूनिक स्ट्रिंग है, तो उसके जो परम्यूटेशंस होते थे वो सीधे सीधे 3 factorial होते थे, राइट? अगर फोर साइज की स्ट्रिंग है जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं, तो 4 factorial हो जाते थे, तो 24 हो जाएंगे उस केस में, राइट? तो अभी 3 के केस में हमारे पास 3 factorial आ रहे हैं, दैट इज 6, ओके? तो इस क्वेश्चन को फिर से रिकर्जन के टर्म्स में सोचना है, राइट? तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपको ये प्रॉब्लम अभी यहाँ पे समझ में आ गई है, तो एक बार इसको यहाँ पे पॉज करो वीडियो को और पूरी की पूरी सॉल्व करने की कोशिश करो, कोड करो। भले ही 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, कितना ही टाइम लगो, बट अगर खुद से करोगे वुड बी वेरी बेनिफिशियल। और अगर आपने कर लिया या आपको नहीं समझ में आ रहा, देन आगे वीडियो को प्रोसीड करो और मेरा सोल्यूशन दे, राइट? ओके, सो इसको रिकर्जन में कैसे सोचना है? जस्ट ऐसे सोचने की कोशिश करो, अगर तुमको बी और सी का आंसर मिल जाए, दैट इज स्ट्रिंग बी सी का आंसर मिल जाए, तो वुड यू बी एबल टू सॉल्व फॉर ए बी सी? मतलब बी सी का आंसर क्या होगा, बी सी का परम्यूटेशन क्या है? बी सी के लिए बी सी रहेगी और सी बी होगी, बी सी स्ट्रिंग की बी सी होगी और सी बी होगी, ये दो हमारी परम्यूटेशन होने वाली हैं। तो क्या मैं इसको यूज़ करके इस सोल्यूशन पर पहुँच सकता हूँ? तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमको क्या चाहिए होगा कि जैसे ये बी सी है, इसके जितने भी स्पेसेस हैं वहाँ पे ए को लगा दो। जैसे मैं सबसे पहले ए को स्टार्टिंग में लगा दूंगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे बी सी है, एक बार ए को यहाँ पे लगा दूंगा, एक बार ए को यहाँ पे लगा दूंगा, एक बार ए को यहाँ पे लगा दूंगा, बिकॉज इवेंचुअली ए को आना तो है कहीं ना कहीं, राइट? कहीं ना कहीं तो आना ही आना है, बिकॉज हर कैरेक्टर का आना जरूरी होता है परम्यूटेशन में। तो ए को तीनों जगह एक बार लगा दो, सो एक बार बन जाएगा ए बी सी, एक बार बन जाएगा बी ए सी और एक बार बन जाएगा बी सी ए। तो ये जो बी सी स्ट्रिंग है, इससे मुझे 3 permutation मिल जाएंगे फर्दर। और सी बी से, सी बी में भी सिमिलरली एक बार यहाँ पे ए लगा दो, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो आई विल गेट ए सी बी, सी ए बी एंड सी बी ए। सो इन टोटल मेरे पास यहाँ पे ये 6 permutation बन जाएंगे, एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर, एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर, राइट? एक बार फिर से समझ लो कि अगर ए बी सी की परम्यूटेशंस निकालनी है, तो पहले बी सी की निकाल लो, बिकॉज बी सी एक स्मॉल प्रॉब्लम है, उसकी परम्यूटेशन मुझे अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है? तो बी सी की जो परम्यूटेशन निकल के आएंगी, पहली एक बी सी है, उसके तीनों जगह पे ए ए ए लगा दो, फिर जो सी बी है उसके तीनों जगह पे ए ए ए लगा दो, राइट? तो इससे तुम्हें 6 permutation मिल जाएंगे, राइट? चलो ठीक है, अगर तुम्हें ए बी सी डी की निकालनी होती, तो अब क्या करते? अब हम बेसिकली बी सी डी की परम्यूटेशन रिकर्जन से निकाल लेते हैं। कितनी निकल के आती? टोटल 6 permutations निकल के आती, राइट? टोटल 6 permutations निकल के आती, बिकॉज वी ऑलरेडी नो 3 के लिए 6 निकलती हैं। जैसे हमने ऑलरेडी ऊपर ए बी सी का देखा, सिमिलरली बी सी डी की 6 permutations आ जाएंगे, ओके? तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गई। तो लेट्स से द फर्स्ट वन इज बी सी डी, बी सी डी इटसेल्फ। अब मुझे क्या करना है, इन सब में ए को ऐड करना है। पहले बी सी डी में ए को 4 जगह पे ऐड करना है, सो इट विल बिकम ए बी सी डी, बी ए सी डी, बी सी ए डी एंड बी सी डी ए, राइट? सो फर्दर फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग 4, फ्रॉम हेयर ऑल्सो आई गेट 4, फ्रॉम हेयर ऑल्सो आई गेट 4, फ्रॉम हेयर ऑल्सो आई गेट 4 एंड सो ऑन। सो टोटल 24 permutation बन जाएंगे ए बी सी डी की, और आई कैन से 6 into 4, राइट? ये 6 कहाँ से आ रहा है? ये 6 आ रहा है मेरा बी सी डी की परम्यूटेशंस, और ये 4 कहाँ से आ रहा है? फॉर ईच ऑफ दोज परम्यूटेशंस हमारे पास 4 spaces होंगी जहाँ पे ए ऑक्यूपाई अपनी स्पेस कर सकता है, राइट? एंड दिस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू द साइज ऑफ ए बी सी डी, राइट? ऑब्वियसली, राइट? अगर मेरे पास लेट्स से 5 size की स्ट्रिंग होती ए बी सी डी ई, राइट? तो पहले मैं बी सी डी ई की परम्यूटेशंस निकाल रहा, वन ऑफ द परम्यूटेशन वुड बी बी सी डी ई, एंड ए के लिए मेरे पास 5 spaces जनरेट होंगी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द साइज ऑफ द इनिशियल स्ट्रिंग, राइट? सो कैसे देखना है इस प्रॉब्लम को, जितनी परम्यूटेशंस मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम के लिए होगी,
उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी स्ट्रिंग के साइज के साथ और उतनी टोटल परम्यूटेशंस हमारे पास निकल के आने वाली हैं, राइट। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर से हम लोग एक आउटपुट एरे अपने पास रखेंगे, राइट। सो लेट्स से कि ये बहुत बड़ा आउटपुट एरे ऑफ 1000 साइज, तो आई एक्सपेक्ट कि जो पहले 6 बॉक्सेस है उसके अंदर मेरे पास BCD का सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा यूजिंग रिकर्जन। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है कि इसके सोल्यूशन को यूज़ करके मुझे मेरे फाइनल सोल्यूशन पे पहुंचना है। बट एक चीज़ नोटिस करो कि ये मेरा जो आउटपुट एरे है इसके अंदर इनिशियली BCD की परम्यूटेशन आएंगी, जैसे BCD की परम्यूटेशन ये आ गई BCD, देन CBD एंड सो ऑन। ये जो परम्यूटेशन अभी मेरे पास आएंगी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द फाइनल आंसर, राइट। सब सीक्वेंसेज में क्या होता था कि जो मेरे पास BCD की सब सीक्वेंस आ जाती थी, जैसे B आ गई या C आ गई या BD आ गई, CD आ गई, राइट, वो मेरे फाइनल आउटपुट का भी पार्ट होती थी। मतलब जो भी सब सीक्वेंस मेरी BCD की सब सीक्वेंस थी वो ABCD की सब सीक्वेंस भी होती थी, वो तो होती ही थी, फर्दर हमको A आगे लगा देना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मेरी परम्यूटेशन BCD की होंगी वो मेरे फाइनल आंसर का पार्ट नहीं होंगी, राइट। सो दीज आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माई फाइनल आंसर। इनका यूज़ करके हमको फर्दर ए लगा लगा के मुझे परम्यूटेशन निकालनी है, बट ये खुद इट्सेल्फ पार्ट नहीं होंगी। सो वट वी आर गोइंग टू डू इज मैं एक टेम्प एरे एक और बना लूँगा, एक मैं एक टेम्प एरे और बना लूँगा जिसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो फर्स्ट BCD है इसको यूज़ करके यहाँ पे 4 परम्यूटेशन बन जाएंगे यहाँ तक, ठीक है, ओके। फिर CBD को यूज़ करके 4 परम्यूटेशंस और आ जाएंगी मेरे पास। सिमिलरली नेक्स्ट वाले को यूज़ करके 4 परम्यूटेशंस और आ जाएंगी, ऐसे करते करते टोटल 24 परम्यूटेशंस इसमें आ जाएंगी। एंड फाइनली क्योंकि मुझे आंसर मेरा आउटपुट में चाहिए तो मैं ये सारी वैल्यूज़ वापस ऊपर कॉपी कर देने वाला हूँ, वापस सारी ऊपर कॉपी कर दूंगा एंड मेरा आउटपुट में सारे के सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे, राइट। सो अगेन समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आउटपुट में मेरे पास जैसे अगर BCD की 6 परम्यूटेशन आ गई, राइट, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 6 परम्यूटेशन नहीं चाहिए, मुझे इनको यूज़ करके फर्दर 6 × 4 दैट 24 न्यू परम्यूटेशन चाहिए। तो उनको मैं पहले एक टेम्प्ररी एरे में पॉपुलेट कर लूँगा, फिर वो सारी बनने के बाद मैं ऊपर आउटपुट में दोबारा शिफ्ट कर दूंगा, राइट। सो दिस इज़ द प्रोसीजर विच आई विल बी फॉलोइंग। तो एक बार जल्दी से कोड लिख लेते हैं, सो ऊपर सब सीक्वेंस वाले से थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। सो इसका नाम दे देते हैं परम्यूटेशंस। सो बेस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है उसकी कितनी परम्यूटेशन होगी, उसकी एक ही परम्यूटेशन होगी, दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग इटसेल्फ, राइट। पिछले वाले में भी सेम ही चीज थी, तो बेस केस तो सेम ही रहेगा, ओके। एंड देन इंट स्मॉलर आउटपुट साइज, राइट, एकदम सिमिलर रहेगा, स्मॉलर आउटपुट साइज, लेकिन यहाँ पे परम्यूटेशन कॉल हो जाएगा, राइट। तो अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा इतने के बाद कि अगर मैंने ABCD पूरी स्ट्रिंग दी है तो BCD की जो परम्यूटेशन है दैट आर 6 परम्यूटेशन आर देयर। तो अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर मैंने ABCD स्ट्रिंग पास करी है तो BCD की परम्यूटेशन दैट आर 6 परम्यूटेशन वो हमारी आउटपुट में एक बार पॉपुलेट हो चुकी हैं। अब मुझे उन 6 को यूज़ करके मुझे एक टेम्प्रेरी एरे पॉपुलेट करना है कि जिसमें पहले वाले के कॉरेस्पॉन्डिंगली 4 एंट्रीज, फिर दूसरे वाले के कॉरेस्पॉन्डिंगली 4 एंट्रीज एंड सो ऑन, ओके। सो आई विल जस्ट मेक अनदर एरे दैट इज टेम्प्रेरी एरे, उसको भी 1000 साइज का बना लेते हैं, राइट। एंड मैं ये 1000 साइज का बना रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत बड़ी स्ट्रिंग नहीं देने वाला हूँ। अगर मैं काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग दे दूंगा, लेट्स से एक 20 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तो उसमें मेरा 1000 से काम नहीं चलेगा, राइट, बिकॉज उसमें 20 फैक्टोरियल स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। तो ये सिर्फ छोटे इनपुट्स के लिए काम कर रहा है। सो एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट के इज इक्वल टू 0, जिसका काम क्या होगा कि मेंटेन करना कि मुझे टेम्प के कहाँ पे प्लेस करना है, राइट, ओके। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रन अ लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन स्मॉलर आउटपुट साइज आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले अभी देखते हैं करंट स्ट्रिंग, मतलब जो पहली स्ट्रिंग है उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, दैट इज BCD की पहली जो परम्यूटेशन है BCD इटसेल्फ उस पर काम करते हैं, ठीक है। चलो एक इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए करंट स्ट्रिंग में रख लेता हूँ, स्ट्रिंग करंट स्ट्रिंग। तो ऑल द 6 स्ट्रिंग्स एक एक करके करंट स्ट्रिंग में आती रहेगी और करंट स्ट्रिंग का यूज़ करके फर्दर हम लोग 4 स्ट्रिंग्स बना के टेम्प में डाल देंगे। करंट स्ट्रिंग इज इक्वल टू आउटपुट आई, ओके। सो फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू करंट
स्ट्रिंग डॉट लेंथ, राइट, जे प्लस प्लस, ओके। सो मैं जे को जीरो से लेके जे को लेस देन इक्वल टू करंट स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। करंट स्ट्रिंग लेट से अभी बी सी डी है, तो बी सी डी की लेंथ क्या आ गई, थ्री। सो जीरो से लेके थ्री तक जा रहा है, सो जीरो वन टू थ्री, तो चार बार ये लूप रन होगा। तो आई ऑलरेडी नो कि अगर बी सी डी है तो ए के पास चार जगहें हैं मेरे पास, राइट। सो बेसिकली चार स्ट्रिंग्स मेरे पास जनरेट हो जाने वाले हैं, चार परम्यूटेशन यूजिंग बी सी डी जनरेट हो जाने वाले हैं। पहले ए को आगे लगाना है, फिर ए को बी के बाद लगाना है, फिर ए को सी के बाद लगाना है, और फिर ए को डी के बाद लगा देना है, राइट। सो हम क्या करेंगे कि अगर मुझे बी सी डी से चार स्ट्रिंग्स चाहिए, सो आई एम गोइंग टू राइट कोड समथिंग लाइक दिस, दैट करंट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग जीरो से लेके जे तक, प्लस जो हमारा कैरेक्टर ए है, प्लस करंट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग जे, राइट। तो इस तरह का कुछ कोड लिख लेंगे। तो अभी होगा क्या, जब मेरे j की वैल्यू जीरो होगी, सो करंट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग जीरो टू j, इसका क्या मतलब होता है कि जीरो से स्टार्ट करना है और इतने कैरेक्टर j कैरेक्टर्स लेने हैं। अगर j की वैल्यू जीरो है तो जीरो कैरेक्टर्स लेने हैं, तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें, इसमें एम्प्टी रहेगा जब मेरे j की वैल्यू जीरो होगी। सो दिस होल थिंग विल बिकम a प्लस सब स्ट्रिंग जीरो, मतलब जीरो से लेके एंड तक, दैट इज बी सी डी, पूरी बी सी डी। सो व्हेन j इज इक्वल टू जीरो आई एम गोइंग टू गेट ए बी सी डी, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद j की वैल्यू 1 हो जाएगी, j की वैल्यू 1 होने के बाद यहाँ से मेरे पास b आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास a आएगा, यहाँ से मेरे पास सी डी आ जाएगा, राइट। सो इट विल बिकम बी ए सी डी। फिर j की वैल्यू 2 होने के बाद मेरे पास यहाँ से बी सी आ जाएगा, यहाँ से a आएगा, और यहाँ से d आएगा, राइट। सो आई गेट बी सी ए डी। फिर j की वैल्यू 3 होने के बाद यहाँ से मेरे पास बी सी डी आ जाएगा, यहाँ से a आएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, राइट। सो इट विल बी बी सी डी ए। इस तरह से हमने a को पहले स्टार्टिंग में लगा दिया, फिर b के बाद, फिर c के बाद, फिर d के बाद, राइट। सो हमने तीन स्टेप्स में ब्रेक कर लिया। इनिशियली यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा होगा, यहाँ से a आ रहा होगा हमेशा, और यहाँ से हमारे पास पूरी स्ट्रिंग आ रही होगी। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से एक कैरेक्टर आएगा, फिर यहाँ से तो हमेशा a ही आना है, और यहाँ से फिर दो कैरेक्टर आएंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से करते करते हमारे पास वो चारों के चारों परम्यूटेशन मुझे मिल जाएंगे, राइट। सो जल्दी से ये चीज़ कर लेते हैं। सो इस लूप के अंदर मुझे तीन चीज़ों को ऐड करना है, राइट, और उसको टेम्प के अंदर डाल देना है। टेम्प के इज इक्वल टू तीन चीज़ों का सम। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं, करंट स्ट्रिंग डॉट सब एस टी आर जीरो से जे, प्लस फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज एस टी आर जीरो, राइट। ये हमेशा ए देगा मुझे अगर मेरा ए बी सी डी स्ट्रिंग है, और लास्ट में मेरे पास आएगा करंट स्ट्रिंग डॉट सब एस टी आर जे, ओके, एंड ऑब्वियसली के प्लस प्लस। सो अभी ये पूरा नेस्टेड लूप चलने के बाद क्या होगा, हमारे पास वो 6 की 24 वैल्यूज बन के हमारे टेम्प के अंदर चली गई हैं। अब मुझे क्या करना है, वो 24 कॉपी करके वापस आउटपुट में डाल देनी है। सो आई विल जस्ट डू फॉर int I is equal to 0, I less than k, I plus plus, right? So मैं k का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि लास्ट वैल्यू मेरी 23rd इंडेक्स पे पड़ी होगी, k की 23rd वैल्यू पे पड़ी होगी, और तब मेरा लास्ट टाइम जब k plus plus हुआ होगा तो k की वैल्यू 24 बन चुकी होगी, राइट। देखो ना, मतलब कहाँ कहाँ वैल्यूज गई होंगी टेम्प में, 0th इंडेक्स, 1st इंडेक्स, एंड सो ऑन टिल 23rd इंडेक्स तक, और फिर जब k++ चला होगा लास्ट टाइम, उसमें k में 24 आ गई होगी। सो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन k, i++, आउटपुट i इज इक्वल टू temp i, राइट, एंड फाइनली रिटर्न स्मॉलर आउटपुट साइज इंटू str डॉट लेंथ। जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर ए बी सी डी का साइज 4 है तो मुझे बेसिकली 6 × 4 करना है, राइट, 6 × 4 करना है टू गेट 24 स्मॉलर आउटपुट साइज इंटू एस टी आर डॉट लेंथ। तो ये पूरे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस का साइज आ जाएगा मेरे पास। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। सो आई विल जस्ट पुट परम्यूटेशंस ओवर हेयर, परम्यूटेशंस, ए बी सी डी पास होगा, आउटपुट पास होगा, राइट,
and if I just print this out, let's check if it is right. So I am getting these, yeah. So all of the 24 permutations are over here, right? So let's just do it for ABC. So there should be 6 permutations. So these are the 6 permutations, okay? So I hope permutations is clear, right? So I would strongly recommend ki please isko khud se code karke dekho, tabhi cheeze achhe se clear hongi, theek hai? Chalo. So I'll see you in the next session. Thank you.